ये बाला त्रिपुर सुंदरी माता की मंदिर है। इसकी स्थापना श्रीधर बाबा जो कि वैष्णो देवी में स्थापना किए हैं वही आकर के यहाँ भी स्थापित किए। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है सो गंगा में प्रवाह होते हुए जा रही थी तो बाबा श्रीधर जो थे सो अपने योग बल के से सहारे उनको अपनी ओर आकर्षित किए और वही पिंड खप्पड़ के रूप में वो माता जा रही थी उसी को वो बड़का पिंडी जो देख रहे हैं वहाँ रख करके और गंगा की मट्टी से दाब दिए वही यहाँ है। बाबा कहे कि हम जाते हैं गांव वाले को कहने के लिए कि माँ विराजमान हो गई है इनकी पूजा स्तुति तुम लोग करो। और उसके बाद बाबा श्रीधर जो थे सो गए गांव वाले को कह करके और उसके बाद ना वहाँ अपना प्राण वायु उधरे छोड़ दिए। जंगल का रूप है बड़े बड़े विषधर यहाँ जीव जंतु रहते थे तो माता को कहे बाबा कि देखो माँ हमारे संतान जो हैं सो इस विषधर को काटने से मरता है बहुत मरता है। तो कहे कि माता कि जाओ हमारे नाम से जल अभिमंत्रित करके जिसको पिला देगा उसका विष सदा के लिए दूर हो जाएगा। जो कि अभी देख रहे हैं वहाँ चंद्रकूप है तो जो खटिया पर रिक्शा पर लदा करके आता है सांप काटा हुआ वह सांप गिरगिट जितने भी अथी हैं ये सब काटा हुआ आता है और यहाँ गंगा चंद्रकूप का जल अभिमंत्रित करके पिला दिया जाता है तो वह जो है से यहाँ से फिर हंसते हुए लौट जाता है। काफ़ी भीड़ होता है नवरात्र में। जी हाँ यहाँ जो है तो धीरे धीरे अब माता का जो है तो प्रचार प्रसार हो रहा है माता सबकी मनोकामना पूरी करती है तो भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती है। जी मेरा नाम विनय कुमार झा है। क्या है तब से माँ उस समय अंदर जाने की प्रथा थी अब तो गेट लग गया उसी समय से आ रहे हैं कि महिमा अपरंपार है। आज के दिन में मेरी तबीयत खराब है थायराइड है मैं यहाँ सब दिन पूजा करती थी लेकिन घर में यहाँ पूजा कर लेती हूँ तो घर में जाके माँ के नाम से पाती इनकी महिमा अपरंपार है। जो भी कोई भी आता है उसका गोली कभी खाली नहीं जाती है। सांप काटा हुआ कोई भी यहाँ पहुँच गया उसको समझिए यहाँ का नीर कुआँ का पड़ते ही वह जीवित हो जाता है। कितनी भी महिमा की माँ की महिमा अपरंपार है जगत जननी है वैष्णो देवी है माता है त्रिपुर सुंदरी है इनकी महिमा की कोई गाथा नहीं। माँ मेरी मनोकामना सबकी मनोकामना पूरा करें माँ सबकी मनोकामना पूरा करिए जो यहाँ आते हैं सब मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरा हो साथ साथ मेरी भी मनोकामना सबका कल्याण हो सबका भला हो। जय माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। माँ सदैव यहाँ विराजमान है। हम तो यहाँ से बहुत ही दिन से आ रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं पूर्ण हो जाती है। यहाँ का महिमा माता रानी का बहुत ही महान बहुत ही अच्छा है। अच्छा नवरात्रा अभी तो काफ़ी भीड़ होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मनोकामना मांगते हैं पूर्ण होता है।